जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। वहीं केजरीवाल से पूछताछ पर बीजेपी क्या कह रही है, आइए आपको मनजिंदर सिंह सिरसा की बात सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मेन अक्यूज्ड हैं। सबसे बड़े बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल हैं। मनीष सिसोदिया हों या बाकी लोग हों, उन लोगों ने भी पैसा कमाया। आज सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि लगभग 350 करोड़ रुपए की तो पैसे की ट्रेल है, कहां गया, कैसे गया, और 550 करोड़ रुपया अब तक अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्तों ने इस शराब घोटाले में से कमाया था। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे लेकिन कट्टर बेईमान थे। राजनीति में सेवा करने की बात करते थे लेकिन राजनीति में केवल और केवल धन इकट्ठा करने आए थे। उनका सपना था कि मैं देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनूंगा। खुद सतेंद्र जैन को और एक कमेटी बनाई थी। अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में सब कुछ हुआ था, उनके कहने पे सब कुछ हुआ था। उस पैसे के सबसे बड़े बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए इस केस में अरविंद केजरीवाल जेल भी जाएंगे और देश में लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय करप्शन के लूट सूट के केसों में जेल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। की बिल रिजेक्ट होने के बाद और जिसमें कोर्ट ने जो ईडी ने डॉक्यूमेंट पेश किए 368 करोड़ के घोटाले के, जो मनी ट्रेल पेश करी, उसके बाद तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अभी भी मौका है, अब तो ईडी ने समन कर लिया है, अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस सारे खेल का जो सरगना है वो केजरीवाल है, इस सारे खेल का जो किंग विंग है वो केजरीवाल है। अफसरों ने माना, अप्रूवर्स हैं, रिकॉर्ड पे हैं, जिन्होंने कहा कि ये सारा लेन देन, ये सारा मामला केजरीवाल के ध्यान में था और केजरीवाल के सामने हुआ। और ये भी कहा कि जब सारी बातचीत होती थी तो केजरीवाल वहाँ रहते थे। ये भी कहा कि केजरीवाल डिक्टेट करते थे कि पॉलिसी क्या होगी, किस प्रकार से लिकर माफिया को फायदा देने की पॉलिसी ड्राफ्ट की जाए। तो सारे घोटाले के पीछे हैं केजरीवाल साहब। अब ये उनके ऊपर है कि वह गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देंगे या अभी इस्तीफा देंगे। वेल, इट वॉज एन ऑफिंग आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टिंग द बेल ऑफ मिस्टर सिसोदिया। आई हैव ट्वीटेड इन द मॉर्निंग सेइंग द सेम। वही वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात भी आप सुनिए जरा। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हमेशा होती है। और जब से ये शराब नीति का घोटाला आया था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की और साथ ही साथ ये भी एस्टेब्लिश किया कि 338 करोड़ की मनी ट्रेलिंग, तो अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो 338 करोड़ रुपये कहाँ खर्च किए हैं। और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं। अभी हमने दशहरा मनाया है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार मनाया है, तो आज हमें भी ये लगता है कि अब वो दिन भी आने वाला है कि सच्चाई की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी टीम जो छाती पीट पीट कर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, इनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं, ये काले चेहरे अब जनता के सामने आएंगे। और आम आदमी पार्टी के सूत्रधार कौन है? नेता अरविंद केजरीवाल हैं। तो अब जाँच एजेंसी अगर जाँच कर रही है तो अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ खर्च किया है। तो सच्चाई सबके सामने आ रही है।